हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस डेजर्ट रेसिपी, जिसका नाम है मिक्स फ्रूट कस्टर्ड। ये बहुत ही हेल्दी होती है और बहुत ही टेस्टी होती है, बिकॉज इसमें बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं और हर एक बाइट्स में आपके फ्रूट्स आते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होती है और ये समर में बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाने वाली रेसिपी होती है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल पर जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। आइए तो फिर स्टार्ट करते हैं। कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया हुआ है। पैन में अब मैं मिल्क डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पर फुल फैट मिल्क का यूज़ किया हुआ है और इसे अब हम एक स्पैचुला की हेल्प से चला लेंगे और बॉयल आने तक पका लेंगे। यहाँ पर बॉयल आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें कस्टर्ड पाउडर मिक्स करूँगी। मैंने यहाँ पर वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड लिया हुआ है। आप कस्टर्ड पाउडर डालकर इसे अच्छे से चलाते रहिए ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना पड़े, और इसे कंटिन्यू हमें इस तरह से स्टिर करना है और स्टिर करते हुए इसे अच्छे से पका लेना है। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ने चाहिए। लम्स अगर पड़ जाएंगे तो हमारा जो कस्टर्ड का फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगा और खाने में भी इसका जो टेस्ट होगा वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होगा। इसे मैंने यहाँ पर दोबारा से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ एक मिक्सर की हेल्प से। आप चाहें तो किसी भी स्पैचुला से या मिक्सर से अच्छे से इसे चला सकते हैं। इसे अब मैं दोबारा से स्पैचुला की हेल्प से मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसा भी आपको पसंद हो, ज़्यादा मीठा या कम मीठा, आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। शुगर डालकर जब तक इसे डिसॉल्व होने दें और अच्छे से बॉयल आने तक पकने दें। यहाँ पर देखिए आप, बॉयल आ रहा है और हमारा जो कस्टर्ड है वो अच्छे से कुक हो रहा है। अब मैं इसमें इलायची पाउडर अच्छे से डालकर मिक्स करूँगी और इसे दोबारा से अच्छे से चला लूँगी। हमारा कस्टर्ड आप देख सकते हैं कि अच्छे से थिक हो रहा है, अच्छे से बॉयल हो रहा है। अब मैं इसमें थोड़े से केसर ऐड करूँगी। केसर से जो हमारे कस्टर्ड का कलर है और थोड़ी सी फैट फ्रैगनेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और अब मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं। ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद मैं दोबारा से इसे अच्छे से चला लूँगी और थोड़ी देर तक कुक होने दूँगी। ये देखिए, इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। कस्टर्ड हमारा बनके रेडी हो गया है। इसे मैंने रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है। अब मैं इसमें सारे फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। मैंने ग्रेप्स ऐड किए हैं, यहाँ पर मैंने कुछ अनार के दाने लिए हुए हैं और ये मैंगो लिया हुआ है मैंने। आप कोई भी फ्रूट्स आप जो आपको भी पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें एप्पल ऐड करूंगी। उसके बाद मैंने इसमें बनाना ऐड किया हुआ है। ये सारे फ्रूट्स को डालकर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आप चाहें तो कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं। समर्स में जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं आप वो भी फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप फ्रूट कस्टर्ड में वो भी फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। कस्टर्ड हमारा बन के रेडी हो गया है। आइए तो हम इसे अच्छे से सर्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं इसे इस तरह से सर्व कर रही हूँ। और कस्टर्ड को आप चाहें तो इंस्टेंट ही खा सकते हैं या रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो करके इसे खा सकते हैं, और या फिर आप इसे बिल्कुल भी फ्रिज में सेट कर लें, बिल्कुल चिल खाएं। ये देखने में बहुत ही ज़्यादा कलरफुल लग रही है, खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और इसे बनने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा। इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाकर ट्राई करें और खाएं, सबको खिलाएं। और इसमें इतने ज़्यादा फ्रूट्स होते हैं जो हमारे समर्स में हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल रखते हैं, हमें समर्स में जो हमारे डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है उनसे बचाता है,
और प्लीज़ आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी, जब तक के लिए बाय बाय।